कोरोना वायरस के भारत में अब से 5000 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन वॉरियर जो है हमारे डॉक्टर्स, उनका बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। हमेशा वो कोरोना वायरस के मरीजों के साथ लगातार एकजुट होकर उनकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी होती है वो हमारे डॉक्टर्स को होती है। और ऐसे में मैन्युफैक्चर कंपनियां लगातार प्रोडक्शन कर रही हैं। मेरे पीछे आप ये खास जो पूरा एक सूट देख सकते हैं, ये पीपीई किट जो है वो डॉक्टर्स के लिए खास ये बनाया गया है। जो भी कोविड-19 पेशेंट का जो इलाज करने जाते हैं, डॉक्टर्स हो या नर्स हो, उनके लिए ये खास पूरा इस तरीके का कॉस्ट्यूम रेडी किया गया है। इसकी क्या विशेषता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो सूट है वो खास किस तरीके से तैयार किया गया है। इसी के साथ एक अलग सा हेलमेट प्रकार का भी दिया गया है, ताकि सर के ऊपर वो एक जो हेलमेट है वो भी डॉक्टर्स लगाकर मरीज का इलाज करने जा सके। और इसी के साथ ये पूरा सूट जो है वो आपको बंद दिख रहा होगा, ताकि कहीं से भी कोई भी वायरस जो है, कीटाणु है, वो अंदर ना प्रवेश कर सके। और इसीलिए उनका जान का जो जोखिम है वो भी डॉक्टर्स को ना आए, क्योंकि लगातार ये जो बीमारी है इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं खोजी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो खतरा है वो डॉक्टर्स को ही बना रहता है, क्योंकि अक्सर वो कोविड-19 के पेशेंट जो हैं उनका इलाज कर रहे हैं। इस पूरे कॉस्ट्यूम की क्या विशेषताएं हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण, उनसे बात करते हैं। करण, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कॉस्ट्यूम है, ये इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, इसका मटेरियल जो उपयोग किया है आपने वो क्या है? इसमें हम लोग दो टाइप के कॉस्ट्यूम बनाए हैं। एक जाता है दिस इज कवर ऑल और ये है गाउन में। इसमें हमने दोनों पीपी किट्स में टॉप टू बॉटम कवर किया हुआ है। फैब्रिक हमने यूज़ किया है SMS फैब्रिक, विच इज स्प्लैश प्रूफ। स्प्लैश प्रूफ आप बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, सरल भाषा में अगर मैं समझ रहा हूँ कि भाई जैसे ये वायरस का जो डर है कि भाई उसके ड्रॉपलेट्स से ये फैलता है, तो इसमें क्या होता है कि भाई ड्रॉपलेट्स अगर ऊपर लग भी जाता है तो ये अंदर नहीं जा पाएगा टॉप टू बॉटम। तो जो भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनको ये लगातार डर रहता है कि भाई उनको ना हो जाए, उसकी वजह से हम लोग ये फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं कि भाई उनके अंदर एटलीस्ट वो ड्रॉपलेट्स बाहर ही फिल्टर हो जाए, अंदर नहीं जाए। इसलिए हमने दो किट तैयार करी हुई है। ये जो गाउन वाली जो किट है उसमें हम लोग दे रहे हैं ये हुड कैप, गॉगल्स, 3-लेयर बैक्टीरिया फिल्टर वाला फेस मास्क, जिसमें बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन है 95.8% सर्टिफाइड है, ये भी हमारे इन हाउस ही बनता है। फिर दिस इज SMS गाउन, ट्राउज़र, ये नाइट्राइल ग्लव्स आएंगे, शू कवर आएगा, और इसके साथ ही डिस्पोजल बैग देते हैं हम लोग, जिसमें ये पूरा एक टाइम में पहन के डॉक्टर कैन डिस्पोज इट ऑफ। फिर दूसरा जो आता है ये हमने अभी डेवलप करा हुआ है कवर ऑल सूट, इसमें टॉप टू बॉटम पूरा एक ही रहता है और नीचे ये शू कवर रहता है। इसमें हमने फेस शील्ड दिया हुआ है, ये तो एक हेलमेट है, प्रोटोटाइप है, बट इसके आगे फेस शील्ड आएगा, वो शील्ड जैसा आएगा कि भाई एकदम जो की पूरी शील्ड रहती है कवर हुई, एकदम जो क्लोज में रहते हैं ना 1-to-1 कांटेक्ट में, उनके लिए हमने ये तैयार किया हुआ है कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी उनकी सेफ्टी रहे। और इसमें भी हमने SMS ग्रेड ही यूज किया हुआ है फैब्रिक के, जिससे अंदर ड्रॉपलेट्स जा नहीं पाए, एंटर नहीं हो पाए। फैब्रिक का नाम ही SMS ग्रेड है। ओके, ठीक है, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रोडक्शन जो है, लगातार आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, तो ऐसे जो पूरा जो सूट है वो एक दिन में कितना इसका प्रोडक्शन होता है? मैं हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा लेबर का शॉर्टेज है, तो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रोज़ के 3 से 3,500 किट बनाए, जाकि ये जो भी ये PPE किट्स की जो भी अछत खड़ी हो रही है वो कम हो जाए। और अभी फ़िलहाल तो ये वाले जो सूट है ये हम लोगों ने 3,000 बनाए हुए हैं रोज़ के, और दिए भी है, आगे इसका प्रोडक्शन चालू होगा कल से। इसका हमारा टारगेट है रोज़ के एटलीस्ट 1,000 किट बनाए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क है, इसके में प्रोडक्शन टाइम इज मच मोर। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण वाला भी काम होता है, पूरा लेबर इंटेंसिव है, पूरा लेबर कटिंग से लेके एंड स्टिचिंग तक पूरा लेबर इंटेंसिव है, प्लस जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, फिर हाइजीन मेंटेन करना, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब है। अभी वो हम कर रहे हैं, अभी हमारा सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के कर रहे हैं।
ठीक है, आपके पास इसी के साथ एक पीपी किट जो है वो भी मौजूद है, वो भी हम देखना चाहेंगे और इसकी भी क्या विशेषता है, ये पूरा आप देख सकते हैं इधर। ये जो पूरा सूट है इस तरीके का, जो इसकी पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है और इसके बाद ही डॉक्टर्स के पास जाती है। आगे की क्या विशेषताएँ हैं? ये जो पैकेजिंग है ये मेडिकल ग्रेड पैकेजिंग पाउच है। इसमें एक बार ये पैकेजिंग हो जाता है, इसको हम लोग देते हैं स्टरलाइज करने के लिए, कि जो भी अगर कुछ भी अगर हाइजीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया और इसमें डॉक्टर्स को इन्फेक्शन नहीं हो तो हम ये पूरा किट स्टराइल करने भेज देते हैं। ये मेडिकल ग्रेड पाउच है तो ये आपको ऊपर दिखेगा कि भाई इफ़ यू सेंड इट इन ईटीओ, दो प्रोसेस होते हैं ईटीओ और स्टीम, तो हम लोग ईटीओ करने भेजते हैं। हाँ। स्टीम का प्रोसेस अलग होता है, ये यूवी लाइट से पूरा एक चेम्बर बनता है, चेम्बर होता है, उसमें इसको 24 आवर्स रखते हैं स्टराइल करने के लिए, तो ये बेसिकली स्टराइल होता है। तो स्टराइल जैसे ही हो जाता है ऐसा येलो कलर हो जाता है, स्टराइलाइज होने के बाद फिर ऐसा येलो होता है। वो लोग ये जानते ही होते हैं क्योंकि मेडिकल ग्रेड में पाउच पैकेजिंग किया हुआ है हमने, तो उनको ये आइडिया रहता है कि भाई हाँ मेरे हाथ में स्टराइल चीज़ आई हुई है, तो उनको कोई संकोच नहीं हो ये यूज़ करने में कि दिस इज़ टोटली इन्फेक्शन फ्री। तो ये खासियत है पैकेजिंग की। अगर इसकी सामान्य अगर मैं कॉस्टिंग या इस हिसाब से बात करूँ तो कैसे क्या होता है, क्योंकि एक दिन का 3000 प्रोडक्शन आप बोल रहे हैं वो होगा, और दरअसल इसकी बात करें तो ये 1000 पूरा दिन का पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग किसकी चाहिए, मतलब नॉर्मल ये समझो इसकी MRP रहती है, एक की 1500 है और एक की 2500 के आसपास MRP रहती है। और हाँ अभी लेबर इंटेंसिव है तो इसमें लेबर मटेरियल कॉस्ट भी है इसमें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम है, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें महंगे दामों में खरीदी हुई है, सारे रॉ मटेरियल जो भी लगे हुए हैं, प्लस लेबर हाइजीन केयर देखना, लेबर का देखना, तो उसमें हमारा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जा रहा है अभी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ये मार्केट में भी। कुल मिलाकर डॉक्टर्स के लिए ये किट जो है वो बहुत ही फलस्वरूप समान होगी और साथ साथ में फ़ायदेमंद भी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये बूंद की तरह ये जो मेडिकल स्टाफ के जो भी सारे डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके प्रिकॉशंस के लिए है। कहते हैं ना कि इंसान फिर से दोबारा मुस्कुराएगा, बस ये समय भी है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन आपको बस कुछ चीज़ें का है जो पालन करना है, लॉकडाउन है सरकार ने जो घोषित किया है, तो कृपया करके आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस इतना ही हमारी विनती है। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात।